स्टूडेंट के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो MHT-CET का कट ऑफ 2019 का कैसा होगा क्या होगा। हर जो टॉप कॉलेज है उनका मैं कट ऑफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो बिफोर ईयर में जो कट ऑफ होता था उसके थोड़ी मैंने एनालिसिस किए हर साल का, हर ईयर का, जैसे कि 2011, 12, 13 है ना, पूरे 2018 तक पूरा एनालिसिस किया। और एनालिसिस के ऊपर से मुझे ये लगता है कि बच्चों इसका कट ऑफ क्या होगा। ओके, इसमें बच्चों ज्यादा से ज्यादा 2-4 मार्क इधर उधर हो सकते हैं। देखो पहले COP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इज वेरी फेमस कॉलेज और ओल्डेस्ट कॉलेज है और बहुत ही बढ़िया कॉलेज है बच्चों। और उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सबसे बेस्ट ब्रांच है, सबसे अच्छी ब्रांच है, तो यहाँ पर मैं हर ब्रांच वाइज ओपन OBC ST कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ होगा उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो पहले ब्रांच लिखे बच्चों, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ENT, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। ओके, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ओपन के लिए आपको 180 नंबर्स लेना पड़ेंगे मिनिमम 200 में से। ओबीसी के लिए 179, यहाँ पे SC के लिए 165 और ST के लिए 140। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये कट ऑफ होगा। जो भी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उन्होंने आपका कट ऑफ ध्यान में देना है आपको। उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 180, ये बेस्ट ब्रांच है, सबसे बेस्ट ब्रांच है बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया ब्रांच है, इसमें जो CUP कॉलेज की बेस्ट ब्रांच है ये, ठीक है। तो ये आपको 180 ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 175, SC के लिए 157 या 155 के अबव नंबर होना चाहिए, ST के लिए भी 125 के अबव होना चाहिए, तो आपको ये COP की मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 174, 171, OBC के लिए, SC के लिए 130, ST के लिए 120। सिविल के लिए बच्चों यहाँ पे हम लोगों को 175 ओपन के लिए है, 170 OBC के लिए, 140 या 40 अबव थोड़े प्लस में हो सकते हैं SC कैटेगरी, और 114 नंबर आपको ST कैटेगरी के लिए होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपको 171 ओपन के लिए, OBC के लिए 168, SC के लिए 139 एंड देन ST के लिए 115। ये नंबर्स अगर आपको मिलते हैं मतलब आप अपने पेपर से एक अंदाज लगा सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पे CUP कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कमेंट में जरूर डालना बच्चों मुझे CUP कॉलेज नहीं मिल रहा है, सर अदर कॉलेज बताओ, तो मैं उसके अदर कॉलेज की कुछ अभी कट ऑफ बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं हर कॉलेज के जो टॉप कॉलेज है उनकी लिस्ट बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, वन बाय वन। जैसे कि अभी 2-3 कॉलेज की इसमें लेक्चर अटेंड करने की कोशिश करूंगा मैं। उसके बाद में VJTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बॉम्बे में है, उसमें जो आप लोगों को जो कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट बनी है बच्चों, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, अगर VJTI में अगर आपको एडमिशन चाहते हो, बहुत सारे बॉम्बे के बच्चे चाहते हैं कि वही एडमिशन मिले, है ना, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लगता है, तो ओपन के लिए 176, OBC के लिए आपको कंप्यूटर ब्रांच होना तो 170, SC के लिए कंप्यूटर ब्रांच वाले को आपको 157 और ST के लिए 132 नंबर्स होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 177 ओपन के लिए, OBC के लिए आपको यहाँ पे 172 मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच मिलेगी, 149 SC के लिए और ST के लिए 125 नंबर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन लिए 170, उसके बाद में 168 ENT-CET वाले के लिए, SC के लिए 128 है और ST के लिए 110, मतलब 110 नंबर होना चाहिए। सिविल ब्रांच के लिए 174, 164, 125 और 109 ST के लिए आपको सिविल के लिए ब्रांच के लिए इतने लगने। इलेक्ट्रिक के लिए आपको 168, 166, 137 एंड 109, ये VJTI का ये कट ऑफ लिस्ट इतना हो सकता है, उसमें थोड़े एक दो नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई ब्रांच में अगर थोड़ा रिजल्ट बहुत ज्यादा टफ लगता है तो नंबर कम हो सकते हैं, रिजल्ट अच्छा है तो थोड़े नंबर बढ़ सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3 मार्क का 4-5 मार्क के तो ऊपर बिल्कुल डिफरेंस नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स, वैसे तो 2-3 मार्क का ही होने वाला है। या एनालिसिस के ऊपर से मैं बता रहा हूं आपको 2019 का जो कट ऑफ लिस्ट है वो रह सकता है। इसके बाद में देखना बच्चों वालचंद कॉलेज ऑफ सांगली, जो अच्छा कॉलेज है,
इसका जो कट ऑफ होगा यहाँ पे 170 कंप्यूटर ब्रांच होना, तो ओबीसी के लिए 168, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 125। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना आपको सांगली में, अगर वालचंद कॉलेज में, तो 168, ओबीसी के लिए 165 और एससी के लिए 142, एसटी के लिए 121। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में 160, 158, ओबीसी एससी के लिए 125, एसटी के लिए 109। बच्चों अगर आपको इसके अलावा कुछ और कॉलेज का कट ऑफ होना तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के जो वीडियो बनाया है टॉप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें जैसे कि मैंने कुछ कॉलेज के नाम बताया, अगर आपको औरंगाबाद में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी अच्छा कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो कितना कट ऑफ होगा, क्या होगा, उसके बारे में अगर अपलोड वीडियो करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि सर इस कॉलेज का, कोई भी कॉलेज का बता सकते हो मुझे उस कॉलेज का नाम और कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, तो मैं उसका कट ऑफ कितना होगा, क्या होगा, उसका पूरा एनालिसिस निकाल के आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।